भारत के पावन देव भूमि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारमुख धाम के साथ साथ ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, उत्तरकाशी, आगरा के यात्रा कर अपन मनुष्य जीवन के सफल कर। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा इस साल के यात्रा के दूसरका कड़ी 25 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 तक रिजर्वेशन और जस्ती जानकारी खातिर फोन करा 5949870 या 5751838181 या तो 5702009 पर फोन करा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से जन्म जन्म के प्यास कट जाला। नमस्ते, रुद्रप्रयाग में आप सब लोग के स्वागत है। कल गर लीजा केदारनाथ, जहाँ पर देख लीजा काफ़ी बर्फबारी हो रहा और हौजा पर भारी बरसात भी हो रहा। ओकर कारण आवाज़ तो नहीं चल गल बा थी, लेकिन कोनो बात नहीं बा, यात्रा प्रोग्राम में तोहर शानदार स्वागत करते जा। इस समय रुद्रप्रयाग में जहाँ पर है जा अलखनंदा और मंदाकिनी के मिलन यानी कि संगम होत बा थे। दुगो नदी जहाँ पर संगे भेंट करे लन जा। इस सब नदी जोन बा थे गंगा से होके बहते हुए आवेला और ई नदी जोन बात है केदारनाथ से भी बह के आल बात है। और 2013 में हैजा परी काफ़ी भारी बाढ़ उतर रहल, जिकर से ढेर मना घर और मंदिर चल गए रहल। तो भाई बहन लोग यात्रा प्रोग्राम देखते रहा, हैजा से हम ले जाते जा तोहर खातिर बद्रीनाथ, फिर बद्रीनाथ के हौजा परी विष्णु भगवान के दर्शन करब जा। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिला के एगो कस्बा हैजा अलखनंदा तथा पिंडर नदी के संगम हुएला। पिंडर के दूसर का नाम कर्ण गंगा भी है। हैजा के उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। अलखनंदा एवं पिंडर नदी के संगम पर बसल कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयाग में से तीसर का स्थान है। ऐसन मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर जाए होला साधु संत, मुनि, ऋषि लोग, पैदल तीर्थयात्री लोग इस शहर से गुजर के यात्रा लंजा। इस मंदिर के पीछे एगो पौराणिक मान्यता बाते, ऐसन मानल जाला कि स्थान के नाम महाभारत के पात्र कर्ण पर पड़ल। उनकर जन्म कुंती के गर्भ से होल रहल और इस प्रकार से वो पांडव लोग के बड़ा भाई रहलन। ऐसन बोलल जाला कि हैजा एक समय इस स्थान जल के अंदर रहल और मात्र कर्णशिला नामक एगो पत्थर के नोक जल के बाहर रहल और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण भगवान कर्ण के दाह संस्कार हैजे कर ले रलन।
समय हमने कर्ण प्रयाग में हेजा ई स्थान है जहाँ पर ही कर्ण बैठकर तपस्या कर ले रहल, दीक्षा प्राप्त कर ले रहल। फिर उनकर पिता सूर्य देव से उनकरा आशीर्वाद वरदान प्राप्त हो रहल और हेजी उनकर कर्ण प्रदान कर ले रहलन। तो चला ई जगह और इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी ले राजा गैल यात्रा में एक बारे में संक्षिप में बतिया रही जा आज विस्तार से कर्ण प्रयाग के बारे में जानब जा। महाराज जी आपका नाम? भुवन चंद पंत। हमें आप इस कर्ण मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां दीजिए और ये दो नदी जिनका संगम हो रहा है उसके बारे में जो कथा विचलित है उसके बारे में आप हमें बताइए। ये यहाँ पे कर्णशिला है और कर्ण जी ने, कर्ण आप जानते होंगे जो महाभारत में थे कुंती के पुत्र, तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और भगवान सूर्य की तपस्या की और यहाँ पे भगवान ने उन्हें कवच और कुंडल और अक्षय तोरण दिया और कर्ण जी ने यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें सारे ऋषि मुनि लोग वगैरह आए थे और भगवान ने उन्हें अजय होने का वर दिया था। सूर्य भगवान ने सूर्य पुत्र कर्ण को तो अजय होने का वरदान दिया था। और ये मेरे पीछे जो नदियाँ हैं ये इधर से जो दिख रही है आपको ये कैलाश मानसरोवर पिंडारी नामक ग्लेशियर से आती है और वो जो है आपके पीछे मेरे पीछे तो ये बद्रीनाथ से आती है और इसका नाम अलकनंदा है। पिंडर और अलकनंदा यहाँ पे मिलती है तो इसका नाम कर्णप्याग, कर्ण की तपस्या और कर्ण के नाम से इस क्षेत्र का नाम कर्णप्याग है और यहाँ पे कर्णप्याग संगम है। पिंडर और अलकनंदा नदी मिलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है तो बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर आगे वहाँ पे केशव प्रयाग है, वहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा मिलती है। लेकिन सरस्वती वहाँ से विलुप्त होने के बाद सीधे प्रयागराज में निकलती है। फिर उसके बाद जोशीमठ बद्रीनाथ से आने में जोशीमठ के नीचे विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग मिलता है, वहाँ पे धौली गंगा और विष्णु अलकनंदा मिलती है और फिर वहाँ से वो अलकनंदा होकर चलती है और आपके नंद प्रयाग में पहुँचती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा ये दो नदियाँ मिलती है, वहाँ का नाम नंद प्रयाग है। उसके बाद आता कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में कर्ण जी ने तपस्या की थी और कवच कुंडल को प्राप्त किया था और यहाँ पे पिंडर और अलकनंदा नदी मिलती है इसलिए यहाँ का नाम कर्णप्रयाग है, ये संगम कर्णप्रयाग के नाम से जाना। इसके बाद रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। मंदाकिनी आपके केदारघाट की साइड से आती है और अलकनंदा यहीं से होकर जाती है तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग होता है। फिर उसके बाद आता देवप्रयाग, देवप्रयाग गौमुख उत्तरकाशी से भागीरथी आती है जहाँ भगीरथ जी ने तपस्या की थी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए, तो भगीरथ जी ने वहाँ तपस्या की तो वहाँ से आगे आगे भगीरथ जी और पीछे पीछे नदी तो उसका नाम भागीरथी है तो देवप्रयाग में मिलती अलकनंदा और भागीरथी। फिर देवप्रयाग से आगे गंगा हो जाती है और गंगा जमुना सरस्वती फिर इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। एगो दूसर कहावत के अनुसार कर्ण है जी अपन पिता सूर्य के आराधना कर ले रलन, घोर तपस्या के बाद उनकर पिता उनकर से प्रसन्न होके उनकरा कर्ण कुंडल प्रदान कर ले रलन। भारत की पावन देव भूमि यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ चारमुख धाम के साथ साथ ऋषिकेश हरिद्वार बनारस इलाहाबाद उत्तरकाशी आगरा के यात्रा कर अपन मनुष्य जीवन के सफल करा। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा इस साल के यात्रा के दूसरका कड़ी 25 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 तक रिजर्वेशन और जस्ती जानकारी खातिर फोन करा 5949870 या 5751838181 या तो 5702009 पर फोन करा। के दौरा करे खातिर भारी भीड़ में तीर्थयात्री लोग आवेलन जा। पहले ई एगो उन्नतिशील बाजार भी रहल और देश के अन्य भाग से लोग आके हैजा बस गएलन जा और अपन अपन व्यापार शुरू करलन जा और आज है ये सब व्यापार फलत फूलत बाते।
ऐसा ही एगो मिठाई होला जलेबी तैयार करत रहलन। गर्मा गर्म जलेबी के सुगंध सुन के उकर पास गए लीजा और उकर जीवन के बारे में जाने खोज लीजा। भैया जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार सिंह नेगी जी है। और राजकुमार सिंह जी आप कितने सालों से यहाँ पर मिठाई बना रहे हो? मेरे को 18 साल हो गए सर यहाँ पे मिठाई बनाते बनाते मेरे को 18 साल हो गए। ये देवभूमि कर्णप्रयाग है, हमको 18 साल से अपना जीवन यापन यही कर रहे हैं सर जी। और जलेबी बनाना आपने कहाँ से सीखा? ये हमारे पैतृक ये दादा परदादा जलेबी बनाते थे हमारे, इसीलिए हमने यही हुनर को हमने आगे बढ़ाया है सर। इसीलिए हम अपने ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है हमारा काम, तो हम इसी से अपना गुजारा करते हैं। और इस मिठाई से जीवन चल जाता है? जी चल जाता, आराम से चल जाता जी, हल्का फुल्का चल जाता है जी। यदि आप मिठाई नहीं बनाते तो आज क्या करना पसंद करते आप? क्या करना पसंद करता है? अब बेरोजगारी है तो ये तो करना पड़ता है। मेरे को मिठाई बनाने का पहले से शौक है सर, बचपन से मिठाई बनाता हूँ मैं। लड्डू, सोन पापड़ी, मलाई लड्डू, जलेबी, पकौड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, डोडा बर्फी, कलाकंद, सब चीज़ें एक तो एटूड बनाता रहता हूँ। मेरे को इन चीज़ों में बहुत अच्छा आनंद आता है, बचपन ही से मेरा शौक है सर। और कर्णप्रयाग किस प्रकार का स्थान है, जगह है? बहुत बढ़िया जगह है सर। जब मैंने सुरभि ये जगह चुना था 18 साल पहले आया था मैं, तो बचपन में 14 साल की उम्र में मैं आया था यहाँ पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जाने का मन ही नहीं किया यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगा सर। दो नदियों के बीच में है, बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जलेबियाँ जल रही हैं, उसको निकाल लीजिए। प्रशासन सरकार द्वारा हिजा परिधीर मना अभियान चलावल जात बाते एगो स्वच्छ समाज के निर्माण करे खातिर और एगो स्वच्छ वातावरण खातिर। इलाका में ढेर मना तरक्की होल बाते, बद्रीनाथ जाए के एगो मात्र रास्ता पर्यटन विभाग के ढेर मना बढ़ावा देले बाते। यातायात, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य सेवा गैल 5 बरिस में ढेर तरक्की जानले बाते हिजा परी। केदारनाथ के भांति बद्रीनाथ के मंदिर भी पहाड़ पर पावल जाला, पर अन्य 3 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ लेखर कठिन ना है। बद्रीनाथ तक सवारी जाला। बद्रीनाथ पर्वतमाला से घिरल बाते और सर्दी के मौसम में इस पर्वत बर्फ से ढक जाला। बद्रीनाथ भारत के उत्तरी भाग में स्थित एगो स्थान है, जन एगो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गल बाते। उत्तराखंड के चामोली जिला में स्थित नगर पंचायत है। हैजा भी काफी ठंड पड़ेला और ढेर कोई आके हैजा परी गरम कपड़ा, जड़ी बूटी इत्यादि के व्यापार करे लंजा। तीर्थ यात्रा के फाटक जब खुलेला बर्फबारी के बाद, तधेर कोई हैजा परी माथा टेके आवे लंजा। ये हमनी के यात्रीगण लोग के अंतिम धाम रहल। उन लोग के मन में बहुत खुशी और उल्लास रहल। बद्रीनाथ के मंदिर जाए खातिर पक्का रास्ता ना रहल, एगो बाजार से गुजर के पड़ेला हौजा परी जाए के, और हैजा परी ढेर मना साधु संत लोग तपस्या करे आवेलन जा। दूर से ही बद्रीनाथ के मंदिर मन के आकर्षित करेला और ई मंदिर जुन बाते अपन संगे अपन राज रखले बाते।
भी मानल जाला कि शिव जी के साथ विवाह करे खातिर पार्वती माई हैजा बैठ के तपस्या कर ले रलन और जे भी हैजा बैठ के तपस्या करेला उनकर मनोरथ पूरा हो जाला और अनेक बरिस हैजा परी माँ पार्वती पत्ता खा के जीवित रहलन। मंदिर तक पहुँचे खातिर परेला गंगा माई के आंचरा से गुजर के जाय के इनकर दर्शन से पितर दोष दूर हो जाला और पितर लोग के मोक्ष प्राप्ति होला। ई स्थान के कितने मना कथा बाते, ई अपने आप में गो ऐतिहासिक स्थान है। बद्रीनाथ की ऊंचाई 10,470 फीट बाते और ई मंदिर बड़ी पुराना है। बोलल जाला मुनि लोग हैजा से मूर्ति निकलले रहलन जा। उस आंवला रंग के काला रंग के मूर्ति रहल और उनका आकार ऐसन रहल जैसे बद्री नारायण पद्मासन लगा के तपस्या करत हुआ। आज भी है मंदिर में वही मूर्ति बाते पर अंदर कैमरा ले जाए के मनाह तस्वीर भी खींचे के मनाह। ये मूर्ति के रेशमी कपड़ा पहनावल जाला और हीरा जड़ल कपड़ा भी पहनावल जाला। उनका आभूषण भी हीरा से जड़ल बाते। जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ के गए और चार धाम चार पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। जहाँ तक भारतवर्ष की बात करते हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। तो चार पुरुषार्थ हैं जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के लिए जगन्नाथपुरी, अर्थ सिद्धि के लिए और रामेश्वरम भगवान शंकर के पास अर्थ के देवता। जीवन में काम आ जाए, काम शांति के लिए द्वारका और मुक्ति के लिए बद्रीनाथ। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष है, मरना है, तो मुक्ति के लोग बद्रीनाथ आए और चारों धाम के लोग यात्रा करते रहे। जहाँ तक उत्तराखंड के चार धाम की बात करते हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार और बद्री, ये उत्तराखंड छोटा स्टेट हमारा है और इसमें यमुनोत्री यमुना भक्ति के प्रतीक है, गंगोत्री से गंगा ज्ञान की प्रतीक है और बाबा केदार भगवान शंकर हैं साक्षात और बद्रीनाथ तो भगवान विष्णु हैं। तो चार धाम का महत्व जीवन में बहुत है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। हिंदुस्तान में जय होता आता है लेकिन यहाँ के प्रवासी बहुत दूर 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 देशों में हैं, वो भी जीवन में चाहते हैं एक बार गंगा में स्नान हो जाए, एक बार चार धाम हो जाए। चार धाम ना हो, कम से कम हरिद्वार और बद्रीनाथ जरूर हो जाए, प्रत्येक की जीवन की इच्छा होती है। यद्यपि आप लोग देख रहे हो मॉरिशस के लोग रहे हैं और मॉरिशस में हमने देखा जाके, वहाँ भी आपने गंगा प्रकट की है। माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक गंगा जल का लेके गए थे बड़ा सा घड़ा और गंगा तालाब जिसका नाम पहले परी तालाब था वो गंगा तालाब में बदल गया। और आज भी मैंने देखा शिवरात्रि के दिन ऐसी भीड़ आपके यहाँ होती है, ऐसे लोग पैदल पैदल गंगा तालाब की ओर जाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। तो मुझे तो आपके यहाँ मॉरिशस में लघु भारत, छोटा सा देश भारत नज़र आता है और बहुत सुंदर लगता है। तो वहाँ का व्यक्ति जब मॉरिशस से चलता है यहाँ पे आपके यहाँ से चलता है तो उसकी इच्छा होती है चार धाम कर लें। चार धाम ना हो पाए तो हरिद्वार हो जाए और साथ साथ में बद्रीनाथ हो जाए। आज तो बहुत लोगों को देख रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे आए, अच्छा लग रहा है। चाची, चार धाम की यात्रा तोहर यहाँ पर ही खत्म हुआ था, तो तोहर अनुभव कैसे रहल? बहुत अच्छा से बीतल, सगरो भूमि से सगरो पूजा कर ली से हमारे जो नथी रहा तो पूरा हुआ रही जा पाई। मैं लड़का लोग नहीं ठीक रही, सब पे अच्छा रही, सुख शांति रही और जितना को याद है सब भूख के अथी रही। हमारा बहुत अच्छा लगल चार धाम की यात्रा, सगरों से निमन से पासे होल, हम अपन सब लड़का फैका सब परिवार मॉरिशस के सबके खातिर पूजा कर ली, सब बैठे ठीक रह के हमार पूजा सफल हो गई। बहुत अच्छा, हम बहुत हमरा बहुत मन कर ले रहा हूँ आई के चले ली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमार सब पूजा सफल हो गई, सब अपन परिवार के पूजा कर ली, सबके मॉरिशस के सबके सुख शांति और हम सबके बोला आवे के चार धाम में। सब अच्छा से बीतल, अच्छा से आई निशा
अब जाति से सब अच्छा से सब काम पूरा हो जहाँ पर जो है आ कोनो कमी हो किधरो तो ये भगवान के हाथ में है। चाहेला आई के भगवान पर विश्वास रखे के विश्वास रखब तो सब पूरा हो। हम लोग यही चाहते हैं सब यात्रा निमन से आइए हैं निमन से घर पहुँचेंगे। हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग हमारी तरफ एक मौका खोज कर हम सब धाम चारों धाम की यात्रा कर सकें यही हमारी आशा है। अच्छा से बीतल जैसे यहाँ रिसर्च से और ये एमबीसी के पूरा टीम को धन्यवाद करते हैं। उन लोगों के बच्चों का वो लोग पूरा परिवार के मनोकामना पूर्ण करेंगे सिद्धि करेंगे। हमने के हिंदू हिंदू लोग के चार धाम के यात्रा कितना महत्व रखेला यहाँ अला के बाद रियलाइज कर ली सर हमने के महसूस होल। फिर अर्थ ढेर डिफिकल्टी भी होल घोड़ा में चहर के यमुनोत्री गैली से केदारनाथ गैली से तूफानी मौसम पर फिर भी सफल से अच्छा से सफर बीतल। चार धाम में जो यहाँ पर आ गया बद्रीनाथ का धाम में मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग है और जो मैंने किया है चार धाम अपने पत्नी अपने बच्चे के लेकर मॉरिशस लोगों को आना चाहिए एक बार तो आना चाहिए देखना चाहिए क्या है। सब कुछ अच्छा बा मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं यहाँ आऊँगी। मेरी 72 एज हो गया मेरे बेटे ने मुझे बहुत सहारा दिया जाओ जाओ तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा चीज़ देखूँगी। यह सुंदर बा सब कुछ तेरे सुन रास्ता तेरे सुन कठिन बा यही सगा बोले और प्रार्थना करते हैं सबसे कि सब कुछ अच्छा भी थी। हम ई बोलब कि भारत एगो संस्कार के मूर्ति है एगो सागर है जा पर एक बार जीवन में यात्रा करला से नौजवान लोग के पन संस्कृति के बारे में ज्यादा पता चली उसे हम बोलती सबके चेहरा चार धाम के यात्रा पूरा करे के। मन तो गन गन हो गया है रोने का मन भी कर रहा था और जैसे हम जानते हैं कि मॉरिशस में सब नौजवान भी है तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी यहाँ पर आए और ये चार धाम करें और ये अनुभव करें कि हमारे जो संस्कृति है धर्म है सब में वो लोग भी आगे बढ़े ये सब जाने कि कैसा ये होता है। ई धाम के अनेक मान्यता बाते हैजापड़ी गरुड़ जी के गो मंदिर बाते और बोलल जला कि गरुड़ जब गंगा में नहा के पत्थर के गो टुकड़ा घर ले जाके पूजा करे तो उनकरा साक्षात बद्री भगवान के दर्शन हो रहल। भीतर मंदिर के मुख्य दरवाजा चांदी के बनावल गलबाते और अगल बगल ढेर मना देवी देवता जैसे हनुमान इत्यादि के मंदिर बाते और अन्य धाम लेखर हैजा भी गरम कुंड बाते जहाँ पर यात्री लोग अपन थकान दूर करे खातिर अपन रोग मिटाए खातिर अपन पीड़ा मिटाए खातिर स्नान करे लंजा। हैजा परी बराबर मंत्र के पाठ घंटी के शोर और भजन के आवाज गुंजेला। ये मंदिर के पुनः निर्माण आदि शंकर द्वारा करल गल रहा। प्रभु के दर्शन के बाद मन के असीम सुख प्राप्त भेल। हैजापली चार मुख्य धाम के यात्रा समाप्त भेल। आवत सप्ताह आप लोग के लिए जाप जा ऋषिकेश पुण्य भारत भूमि के और एगो पुण्य धरती के टुकड़ा। Thank you.
भारत के पावन देव भूमि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारमुख धाम के साथ साथ ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, उत्तरकाशी, आगरा के यात्रा कर अपन मनुष्य जीवन के सफल करा। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा इस साल के यात्रा के दूसरका कड़ी 25 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 तक रिजर्वेशन और जस्ती जानकारी खातिर फोन करा 5949870 या 5751838 या 5702009 पर फोन करा।